नमस्कार, दिनभर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सृष्टि। बुलेटिन में आज बात होगी केंद्र के विधेयक के खिलाफ भारत बंद की, पीएम मोदी की अन्नदाताओं को दी सलाह की, जानेंगे कि बिहार में कब होंगे विधानसभा चुनाव, साथ ही बात होगी बीजेपी में आने के बाद परेशान सिंधिया की, और बुलेटिन के आखिर में बात कैग के एक और खुलासे की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। संसद के मॉनसून सत्र को लेकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का बयान, स्वास्थ्य मुसीबत में ऐतिहासिक रहा मॉनसून सत्र, देश को जल्द मिलेगा नया संसद भवन। दिल्ली सरकार की अपील हाईकोर्ट में टली, दिल्ली सरकार ने की थी प्राइवेट हॉस्पिटल में 80% आईसीयू बेड रिजर्व करने की मांग, अब सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी सुनवाई। आज से लागू होगी फेसलेस अपील की सुविधा, ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन प्रोग्राम के तहत लाई गई ये सुविधा टैक्स चोरी भ्रष्टाचार जैसी समस्याओं से देगी निजात, टैक्स पेयर्स की परेशानी होगी कम। और कल की बड़ी गिरावट के बाद आज संभला शेयर बाजार, सेंसेक्स 835 अंक की तेजी के साथ 37389 अंक और निफ्टी 245 अंक की तेजी के साथ 11050 अंक पर हुआ बंद। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। कृषि बिल के खिलाफ विपक्ष ने तो पहले ही सरकार की मुश्किलें बढ़ा रखी थी, लेकिन अब देश का अन्नदाता भी सड़क पर आ गया है। सरकार पर बिलों को वापस लेने का दबाव है, इसे लेकर जगह जगह विरोध प्रदर्शन किया गया। अन्नदाता अड़ गए हैं कि सरकार इन बिलों को वापस ले, और इसी मुद्दे पर आज चर्चा के लिए हमारे साथ हैं राजीव जी। राजीव जी, स्वागत है आपका, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। सड़कों पर बैठे ये किसान परेशान है, केंद्र की मोदी सरकार खिलाफ नारेबाजी हो रही है, लेकिन सरकार तक किसानों की आवाज नहीं पहुंच रही है, या शायद सरकार सुन ही नहीं रही है, क्योंकि किसान जो मांग कर रहे हैं सरकार वो मानने को तैयार नहीं है। जी हाँ, बात सरकार द्वारा संसद के मॉनसून सत्र में पास किए गए 3 बिलों की है, जिससे किसानों को डर लग रहा है कि सरकार मंडियों को खत्म करना चाहती है। किसान बिलों के इस विरोध में विपक्ष भी अन्नदाताओं के साथ है। संसद में सरकार ये कृषि बिल लाए जाने के साथ ही इसका विरोध शुरू हो गया है। किसान सड़क पर उतरने लगे थे, विपक्ष भी सरकार से कह रहा था कि इस बिल पर चर्चा कराई जाए, उनकी मांगे मानी जाएं, संशोधन के लिए इसे संसद की प्रवर समिति के हवाले कर दिया जाए, लेकिन सरकार को जल्दी थी इसीलिए इसे पास करा दिया। राज्यसभा में तो मतदान की बात भी नहीं मानी गई, और अब अन्नदाता सड़क पर हैं। बिल का विरोध बढ़ता जा रहा है। किसान संगठनों ने आज देश बंद का ऐलान कर रखा था, इसका असर भी दिखा। पंजाब में कई स्थानों पर किसान मजदूर संगठनों ने बिल के विरोध में रेल और सड़क यातायात पूरी तरह से रोक दिया। पंजाब में 26 सितंबर तक रेल रोको आंदोलन जारी रखने का ऐलान भी कर दिया गया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी किसानों ने कई जगहों पर विरोध जताया। हरियाणा में रोहतक हिसार हाईवे जाम कर दिया गया। राज्य के अधिकांश हाईवे किसानों ने जाम कर दिए थे। बिहार में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने ट्रैक्टर रैली निकाली और किसानों के बीच ट्रैक्टर लेकर पहुंचे। कृषि बिल को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी मोदी सरकार को जमकर घेरा है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि पहले जीएसटी ने एमएसएमई को खत्म किया और अब नया कृषि कानून अन्नदाताओं को गुलाम बनाएगा। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने एमएसपी को लेकर सरकार को घेरते हुए कहा कि अन्नदाता से एमएसपी छीन ली जाएगी, उन्हें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए खरबपतियों का गुलाम बनने पर मजबूर किया जाएगा। साथ ही तंज कसते हुए ट्वीट किया कि किसानों को न दाम मिलेगा न सम्मान, किसान अपने ही खेत में मजदूर बन जाएगा। प्रियंका गांधी यही नहीं रुकी, उन्होंने बीजेपी के शासन की तुलना ईस्ट इंडिया कंपनी के राज से कर दी। बिल को लेकर अन्नदाता के अंदर सरकार के प्रति गुस्सा है, और वो हर मुमकिन कोशिश कर रहा है ताकि सरकार तक बात पहुंचे, लेकिन जिस तरह सरकार का रवैया है उससे ये प्रदर्शन जल्दी रुकने वाला नहीं लगता है, क्योंकि सरकार अन्नदाता से तो बात नहीं कर रही है, अपने फैसले पर कायम है। राजीव जी, सरकार कोई बिल लाती है तो विपक्ष उसमें कुछ सुझाव देता है, कभी सरकार ये सुझाव मानती है तो कभी नहीं, लेकिन कृषि बिल पर तो विपक्ष शुरुआत से ही सरकार के खिलाफ था, और अब अन्नदाता भी सड़क पर दिखाई दे रहा है, लेकिन सरकार झुकती नजर नहीं आ रही है। ऐसे में विपक्ष और अन्नदाताओं के पास रास्ता क्या है? देखिए सृष्टि, देश में स्वास्थ्य मुसीबत का दौर शुरू होने से पहले नागरिकता जैसे मुद्दों पर जनता के एक वर्ग की सरकार से नाराजगी थी, और इस वजह से दिल्ली समेत देश के कई शहरों में महीनों तक आंदोलन चले थे। अगर महामारी फैलने का डर नहीं होता तो ये आंदोलन शायद आगे भी जारी रहते, और तब शायद सरकार को जनता की ताकत का एहसास भी होने लगता। आपको याद होगा शाहीन बाग का आंदोलन। लेकिन बीते 5-6 महीनों में देश में एक थोपी हुई चुप्पी और एक अजीब सी शांति छाई हुई थी। लोगों को बहुत सी बातों की तकलीफें थीं, लेकिन फिर भी मजबूरी में सब शांत बैठे थे। लेकिन अब देश में एक बार फिर हलचल दिखाई दे रही है। कृषि बिल संसद में पेश होने से पहले ही इसके विरोध
विरोध में आवाज उठ रही थी, मगर सरकार ने न केवल इन्हें दोनों सदनों में पेश किया बल्कि चतुराई से पारित भी करा लिया। कृषि राज्य का विषय है, फिर भी इस बारे में राज्यों से कोई चर्चा केंद्र सरकार ने नहीं की और न ही उन किसानों को भरोसे में लिया जिनके हित में ये बिल बताए जा रहे हैं। सरकार का ये रवैया बतलाता है कि दाल में कुछ काला है। इन बिल्स पर अब भी मोदी जी यही कह रहे हैं कि ये किसानों के भले के लिए है। इसका मतलब यही है कि सरकार अपने अड़ियल रवैये से पीछे नहीं हटने वाली है, ये साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन सृष्टि, इससे विपक्ष अगर हार मान लेगा तो ये असल में लोकतंत्र की हार होगी। इसीलिए विपक्ष को और किसानों को अपना तार्किक विरोध जारी रखना चाहिए, अपनी आपत्तियां सरकार के सामने उठाते रहना चाहिए। आज शांतिपूर्ण तरीके से भारत बंद हुआ और महामारी में सारी सावधानियों का पालन भी किया गया। विरोध का ऐसा गांधीवादी तरीका ही सरकार को अपने फैसले पर फिर से सोचने पर मजबूर कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी तमाम जानकारी के लिए। अब रुख करते हैं अपनी अगली खबर का। कृषि बिल पर पूरे देश में नाराजगी दिखाई दे रही है, लेकिन सरकार की ओर से दावा किया जा रहा है कि इस बिल से अन्नदाताओं को फायदा होगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में इस बिल के फायदे गिनाते हुए बता दिया कि बिल वापस नहीं होगा, तो क्या कहा पीएम ने, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। जब बात संसद से नहीं बनी तो किसान सड़कों पर उतरे, जब बात आवाज उठाने से नहीं बनी तो आंदोलन शुरू किए गए। किसान सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। इस मसले पर विपक्ष भी उनका पूरा साथ दे रहा है। देश भर में जगह जगह विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। कल से किसानों ने रेल रोको आंदोलन की शुरुआत भी कर दी है और आज इसी विरोध के कारण भारत बंद रखा गया है। तमाम विपक्षी पार्टियां अलग अलग तरीकों से इस बिल की मुखालफत कर रही हैं, लेकिन सरकार की अब भी इस बिल पर अपना फैसला बदलने की कोई मंशा नजर नहीं आ रही। सरकार तो बार बार बिल की वकालत कर रही है और इसे किसानों के लिए लाभदायक बता रही है। आज भारत बंद आंदोलन पर पीएम मोदी ने किसानों से अपील की है। उन्होंने कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर का एक साक्षात्कार सोशल मीडिया पर साझा किया है, जिसमें कृषि बिलों पर चर्चा की गई है। मोदी ने किसानों से आग्रह किया है कि किसान इस साक्षात्कार को देखें और अपनी गलतफहमी मिटाएं। इसके साथ ही पीएम ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछली सरकारों में किसानों को कानूनों में उलझाकर रखा गया, जिसकी वजह से वो अपनी फसल नहीं बेच पा रहे। भाजपा सरकार ने MSP में रिकॉर्ड बढ़ोतरी की और अब तक 1,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा किसानों को दिए जा चुके हैं। पीएम ने विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि झूठ बोलने वाले लोग किसानों के कंधे पर रखकर बंदूक चला रहे हैं। कुछ लोगों ने राष्ट्रहित के बजाय खुद के हित को सर्वोपरि रखा और झूठ बोलकर किसानों को बरगलाते रहे, लेकिन अब किसान की मर्जी है कि वो कहीं पर भी फसल बेचे। जहां पर किसान को ज्यादा दाम मिलेगा वो वहां बेच सकेगा। इससे पहले भी पीएम मोदी कृषि बिलों पर 2 बार स्पष्टीकरण दे चुके हैं, यानी प्रधानमंत्री की तरफ से साफ है कि ये बिल ना तो मंडी प्रणाली को खत्म करने वाले हैं और ना ही MSP पर इसका कोई असर पड़ेगा। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि तमाम विरोध के बावजूद भी सरकार तस्से-मस नहीं होने वाली है। पीएम के ऐलान से साफ है कि बिल वापस नहीं होगा। इस बिल का असल लाभ किसे मिलेगा ये जल्द ही सबके सामने होगा। वैसे बिहार में अब किसकी सरकार बनेगी ये भी जल्द ही सबके सामने आ जाएगा, क्योंकि बिहार में आज चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया है। तो कब है बिहार के मतदान और कब आएंगे नतीजे, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। बिहार में विधानसभा चुनाव का ऐलान अब हो चुका है। बिहार में 28 अक्टूबर, 3 नवंबर और 7 नवंबर को 3 चरणों में मतदान होगा। 28 अक्टूबर को पहले चरण में 16 जिलों की 71 सीटों पर वोटिंग कराई जाएगी। वहीं दूसरे चरण में 3 नवंबर को 17 जिलों की 94 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा और 7 नवंबर को तीसरे और अंतिम चरण में 15 जिलों की 78 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। सभी सीटों को लेकर मतगणना का काम 10 नवंबर को होगा और इसी दिन नतीजे भी घोषित किए जाएंगे। चुनाव आयोग द्वारा दीपावली के पहले चुनाव प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा। 1 अक्टूबर से पहले चरण के चुनाव के लिए नॉमिनेशन का काम भी शुरू हो जाएगा। चुनाव की घोषणा के साथ ही राज्य में आदर्श आचार संहिता भी लागू कर दी गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने बताया है कि इस बार चुनाव विषम स्थिति में कराया जा रहा है। स्वास्थ्य मुसीबत को देखते हुए प्रचार से लेकर मतदान में कई बदलाव किए गए हैं, ताकि चुनाव के दौरान संक्रमण से बचा जा सके। चुनाव आयोग के दिशा निर्देश के अनुसार सभी पोलिंग बूथों को मतदान शुरू होने से पहले सैनिटाइज किया जाएगा।
सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन किया जाएगा। चुनाव प्रक्रिया के दौरान फेस मास्क, सैनिटाइजर, थर्मल स्कैनर, ग्लव्स, पीपी किट्स का इस्तेमाल किया जाएगा। बिना मास्क के किसी को भी मतदान केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी। रैली, सभा, रोड शो के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। प्रचार के दौरान 5 से ज्यादा गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। वाहनों के काफिले में 2 सेटों के बीच में 100 मीटर के अंतराल की जगह अब आधा घंटे का अंतराल होना जरूरी है। पहली बार नामांकन ऑनलाइन भरे जा सकेंगे। प्रचार के दौरान 5 से ज्यादा लोग एक साथ नहीं चल सकेंगे। किसी भी बूथ पर 1000 से ज्यादा वोटर नहीं होंगे। जिला चुनाव अधिकारी और DSP को ये सुनिश्चित करना होगा कि राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की तरफ से तय लोगों से ज्यादा उस सार्वजनिक क्षेत्र में लोग शामिल ना हों। नोडल हेल्थ ऑफिसर को भी इसमें शामिल करना होगा ताकि ये सुनिश्चित हो पाए कि सभी जिलों में COVID-19 से संबंधित गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है। सुनील अरोड़ा ने बताया कि बिहार विधानसभा चुनाव में करीब 7.2 करोड़ मतदाता हैं और इसमें बूथों की संख्या 1.6 लाख है। प्रत्येक बूथ पर 1000 से ज्यादा मतदाता नहीं होंगे। वोटिंग का टाइम भी 1 घंटे बढ़ा दिया गया है। अब सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग की जाएगी। संक्रमित मरीजों को भी मतदान करने की सुविधा दी जाएगी। चुनाव के लिए 46 लाख मास्क, 7.6 लाख फेस शील्ड, 23 लाख जोड़े हैंड ग्लव्स और 6 लाख पीपी किट्स का भी इंतजाम किया गया है। बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान तो हो गया, लेकिन NDA और महागठबंधन में सीटों के बंटवारे का ऐलान अभी नहीं हो पाया है। दोनों ही गठबंधनों में इसे लेकर फॉर्मूला तय नहीं हो पाया है। महागठबंधन में हालात ज्यादा खराब हैं। मांझी के बाद अब रालोसपा सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा भी महागठबंधन से दूर जाते दिख रहे हैं। अब सवाल उठता है कि क्या उपेंद्र कुशवाहा महागठबंधन छोड़ NDA में एंट्री लेंगे? क्या नीतीश कुमार इसके लिए तैयार होंगे? बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। दरअसल जीतनराम मांझी तो पहले ही महागठबंधन को अलविदा कह चुके हैं। अब उपेंद्र कुशवाहा भी महागठबंधन से अलग होने की तैयारी में है। इसके लिए रालोसपा ने एक आपात बैठक बुलाई थी और इस दौरान उपेंद्र कुशवाहा ने RJD के रवैये पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा, हम लोग पूरी मजबूती के साथ महागठबंधन में रहे हैं और आगे भी रहते, लेकिन RJD ने जिस नेतृत्व को खड़ा किया है उसके पीछे खड़े रहकर प्रदेश में परिवर्तन लाना संभव नहीं। साथ ही कहा कि बिहार की जनता चाहती है कि नेतृत्व ऐसा हो जो नीतीश कुमार के सामने ठीक से खड़ा हो सके। उपेंद्र कुशवाहा के बयान के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि कुशवाहा NDA में वापसी कर सकते हैं, लेकिन क्या उपेंद्र कुशवाहा NDA में चौथी बार एंट्री ले पाएंगे और क्या नीतीश कुमार इजाजत देंगे? ये सवाल इसीलिए क्योंकि 2015 के चुनाव परिणाम के बाद उपेंद्र कुशवाहा बिना वोट बैंक वाले नेता बनकर रह गए। बिहार में महागठबंधन सरकार 2 साल भी पूरा नहीं कर पाई और नीतीश कुमार ने अचानक BJP का दामन थाम लिया। 17 साल की दोस्ती के बाद 2013 में जो रिश्ता टूटा वो 2017 में फिर कायम हो गया। नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की लोकप्रिय जोड़ी ने कुशवाहा को असहज कर दिया। कुशवाहा नीतीश कुमार को कुशासन बाबू ठहराते हुए NDA से विदा हो गए। इससे पहले साल 2007 और 2012 में भी कुशवाहा नीतीश कुमार को अलविदा कह चुके हैं। तो अब देखना होगा कि नीतीश कुमार उपेंद्र कुशवाहा को गले लगाते हैं या नहीं। बिहार में तो नेताओं का पाला बदलने का सिलसिला चल ही रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश में पाला बदलकर BJP में आए सिंधिया की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। BJP की सरकार तो उन्होंने बनवा दी, लेकिन BJP के कार्यकर्ता ही उन्हें स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। आए दिन उनकी सभा में हंगामा देखने को मिल जाता है। एक बार फिर अशोकनगर में हो रहे कार्यक्रम में हंगामा देखने को मिला। मध्य प्रदेश में 29 सितंबर को उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। चुनाव के मद्देनजर सत्ता पर कायम रहने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रचार अभियान में जुटे हैं। शिवराज को अपनी कुर्सी बचानी है और ज्योतिरादित्य को अपनी इज्जत, क्योंकि जिन 28 सीटों पर चुनाव हो रहा है उनमें से अधिकांश सीटों पर उम्मीदवार ज्योतिरादित्य सिंधिया की पसंद के हैं। BJP ने सिंधिया समर्थक उन सभी लोगों को टिकट देने का फैसला किया है जो विधानसभा की सदस्यता छोड़कर कांग्रेस से BJP में शामिल हुए थे। BJP की टिकट पर सिंधिया समर्थक मैदान में उतर रहे हैं, इसलिए ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रचार में पूरी ताकत से जुटे हुए हैं। लेकिन सिंधिया के लिए BJP के कार्यकर्ता परेशानी भी खड़ी कर रहे हैं, क्योंकि BJP कार्यकर्ता यह समझ नहीं पा रहे हैं कि जिन ज्योतिरादित्य सिंधिया का विरोध कर वो राजनीति में आगे बढ़े हैं, अब उन्हीं सिंधिया के समर्थन में नारे कैसे लगाएं। और नाराज BJP कार्यकर्ता का ऐसा ही नजारा अशोकनगर में दिखा। अशोकनगर में आयोजित चुनावी सभा में जैसे ही CM शिवराज और ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे, हंगामा मच गया।
संघ और बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं ने सिंधिया के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। नारेबाजी सुनकर शिवराज और सिंधिया दोनों को पहले तो कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन जब अपने ही विरोध करते दिखे तो शिवराज भी परेशानी में पड़ गए। मामला हाथ से निकलता देख शिवराज सिंह चौहान ने आगे आकर मंच संभाल लिया, लेकिन नारेबाजी इसके बाद भी होती रही। इस बीच सिंधिया मंच पर शांत बैठे रहे। काफी देर बाद सिंधिया के खिलाफ नारेबाजी बंद हुई। सिंधिया के खिलाफ बीजेपी और संघ कार्यकर्ताओं की नारेबाजी ने पार्टी की नींद उड़ा दी है। अब बीजेपी पूरे मामले को लेकर लीपापोती में जुट गई है। और बुलेटिन के आखिर में बात जीएसटी को लेकर आई कैग की रिपोर्ट की। सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है कि इस बार जीएसटी कलेक्शन काफी कम हुआ है, इसलिए उसके पास राज्यों को देने के लिए पैसा नहीं है। लेकिन जीएसटी को लेकर कैग की रिपोर्ट सरकार के तमाम दावों पर सवाल खड़े करती है। देखिए हमारी रिपोर्ट। नियमों को तोड़ना, आंकड़े छुपाना, जनता को राम भरोसे छोड़ देना, ये मोदी सरकार के कारनामों का नमूना है। संसद सत्र के दौरान भी आम लोगों से जुड़े सवालों का जवाब सरकार की ओर से गोलमोल करके ही दिया गया, और अब कैग की रिपोर्ट ने जीएसटी को लेकर बड़ा खुलासा किया है। जी हाँ, कैग की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि केंद्र सरकार ने नियमों का उल्लंघन करते हुए वित्त वर्ष 2017 से 18 और 2018 से 19 में जीएसटी कंपनसेशन की 47,272 करोड़ रुपए की रकम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया यानी कि सीएफआई में रखी और इस फंड को दूसरे काम के लिए इस्तेमाल किया गया। दरअसल पिछले सप्ताह ही केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बताया था कि राज्यों को जीएसटी कंपनसेशन देने के लिए सीएफआई से फंड जारी करने का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है, लेकिन कैग का कहना है कि खुद सरकार ने ही इस नियम का उल्लंघन किया है। दरअसल इस एक्ट के प्रावधानों के मुताबिक किसी भी साल में जमा किए गए कुल उपकर कलेक्शन नॉन लैप्सेस फंड यानी जीएसटी कंपनसेशन सेस फंड में क्रेडिट किया जाता है। ये पब्लिक अकाउंट का हिस्सा है और इसका इस्तेमाल राज्यों को जीएसटी राजस्व की भरपाई के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन केंद्र सरकार ने कुल जीएसटी सेस को जीएसटी कंपनसेशन फंड में ट्रांसफर करने की बजाय इसे सीएफआई में ही रखा और बाद में इसका इस्तेमाल किसी अन्य काम के लिए किया गया। और इस समय जब राज्य सरकार से जीएसटी का पैसा मांग रहे हैं तो उनसे कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार के पास पैसा नहीं है, इसलिए राज्य अपना खर्चा चलाने के लिए उधार ले ले। तो फिलहाल दिन भर की बड़ी खबरों में इतना ही। देखते रहिए टीवी लाइव। नमस्कार।